नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉज बडी में। दोस्तों 16 नवंबर 2021 से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बताऊंगा। यदि आप स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद मेरिट कमिटी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का नेम है svmcm.wbhed.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप लोग स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन का। यदि आप लोग न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आप लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ बताया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए तीन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और तीनों का ओपनिंग डेट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट अभी नहीं दिया हुआ है। ये अच्छी बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए स्टेप वन स्टेप टू करके बता दिया गया है। आप लोग चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है दिस इज टू डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली एंड आई अग्री टू अवॉइड बाय देम। यानी कि यहाँ कहा गया है आप लोगों ने ये सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लिया है और आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़कर अग्री है, यानी कि सहमत है, तो आप लोग इस वाले बॉक्स पर टिक करिए। टिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला बोला गया है प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बोला गया है डाउनलोड यूजर मैनुअल। आप लोग चाहे तो यहाँ पे यूजर मैनुअल डाउनलोड करके उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेने के बाद समझ लेने के बाद आप लोग यहाँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देखिए बोला गया है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। यहाँ पे देखिए टोटल 6 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए बोला गया है स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि यदि आप हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तो आप लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब देखिए नेक्स्ट बोला गया है स्टडिंग इन पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। यदि आप अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आप लोग सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए बोला गया है स्टडिंग इन जनरल डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, यानी कि यदि आप जनरल डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तो आप लोग थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जनरल डिग्री कॉलेज यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए, यदि आप लोग इन सभी कोर्स को कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तो आप लोग थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है स्टडिंग इन डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यदि आप लोग इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप लोग फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है स्टडिंग इन मेडिकल नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। यदि आप लोग मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिफ्थ नंबर ऑप्शन पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है कन्याश्री प्रकल्प K3। यदि आप लोग कन्याश्री K3 स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आप लोग लास्ट वाले 6 ऑप्शन पे क्लिक करिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जनरल डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। जैसे कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है, तो वो स्टूडेंट फॉर्म कैसे फिलअप करेगा उस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन का फॉर्म फिलअप करके आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं।
यहाँ देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ चुका है। यहाँ देखिए बोला गया है रजिस्ट्रेशन फॉर स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ देखिए बोला गया है डिटेल ऑफ लास्ट एलिजिबल क्वालिफाइंग बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ देखिए बोला गया है नेम ऑफ क्वालिफाइंग पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी आप लोगों ने लास्ट एग्जाम कौन सा पास आउट किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए सभी कोर्स का नेम और एग्जाम का नेम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बोला गया है नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल कॉलेज यूनिवर्सिटी। यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों ने लास्ट एग्जाम कौन से बोर्ड से पास आउट किया था, तो मैं यहां सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बोला गया है ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने कौन से ईयर में लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो मैं यहां सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है रोल नंबर ऑफ लास्ट एलिजिबल बोर्ड काउंसिल कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया था उसका रोल नंबर क्या है उसको आपको यहाँ एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है पासिंग ईयर ऑफ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड काउंसिल एग्जामिनेशन, यानी कि आपने क्लास 10 किस ईयर में पास आउट किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है रोल नंबर ऑफ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड काउंसिल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो क्लास 10 का रोल नंबर है, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर दिया होगा क्लास 10 का, उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एंटर कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है टोटल मार्क्स ओवी 10 एक्सक्लूडिंग एडिशनल और ऑप्शनल मार्क्स इन लास्ट एग्जाम क्वालिफाइंग, यानी कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया था उसमें आपका टोटल कितना मार्क्स आया था उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए बोला गया है आउट ऑफ यानी टोटल कितने मार्क्स एग्जाम हुआ था उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एक बार दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मार्क्स छोड़ देना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है ओवरऑल परसेंटेज एक्सक्लूडिंग एडिशनल और ऑप्शनल मार्क्स इन लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो परसेंटेज बनता है इस मार्क्स का उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज एंटर कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि अभी आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ देखिए बोला गया है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ बोला गया है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का जो भी नेम है उसका नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है नेम ऑफ प्रेजेंट कोर्स, यानी कि अभी आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे बीकॉम सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, यानी आप लोग बीकॉम कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ कोर्स में अकाउंट्स को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन ईयर, यानी कि आपका कोर्स कितने साल का है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अब देखिए बोला गया है डेट ऑफ एडमिशन, यानी आपने अपना एडमिशन किस दिन किस तारीख को करवाया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 सितंबर 2021 सिलेक्ट कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल में सबसे पहले बोला गया है फर्स्ट नेम, यानी कि जो एप्लीसियंट है उसका फर्स्ट नेम क्या है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, जो भी मिडिल नेम है आपका उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। और यहाँ देखिए बोला गया है लास्ट नेम, आपको जो भी लास्ट नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो यहाँ मैंने ईमेल आईडी को एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है जेंडर सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है रिलीजन, यानी कि आप लोग क्या धर्म है, तो मैंने यहाँ पे हिंदुइज्म को सिलेक्ट कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बोला गया है पासवर्ड, अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया है, और यहाँ पे देखिए कंफर्म पासवर्ड भी मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ देखिए बोला गया है पासवर्ड मैच, यानी कि दोनों पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए तभी यहाँ पे दिखाएगा पासवर्ड मैच। तो मैंने देखिए यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन सही से फिलअप कर लिया है। आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तभी यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं।
तो यहाँ देखिए रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर से एक नया ऑप्शन खुल के आ चुका है। यहाँ देखिए बोला क्या है, एंटर द ओटीपी फॉर ओटीपी आईडी। यहाँ पे देखिए ओटीपी आईडी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बोला क्या है, सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ओटीपी है उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ओटीपी को एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर दिया है। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोज और वेरीफाई। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ देखिए वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड एंड रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। यहाँ देखिए बोला गया है, योर एप्लीसियन आईडी इज, यहाँ पे देखिए एक एप्लीसियन आईडी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बोला गया है, एंड द सेम हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। यानी कि मेरे मोबाइल नंबर और मेरे ईमेल आईडी पर ये एप्लीकेशन आईडी सेंड कर दिया गया है। उसके बाद देखिए बोला गया है, प्लीज लॉगिंग विद द एप्लीसियन आईडी एंड पासवर्ड चूजन एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ बोला गया है फिर से मुझे लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस को प्रोसीड करना होगा। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज कर देने के बाद आपको यहाँ होम पर आना होगा। होम पर आने के बाद यहाँ देखिए बोला क्या है, एप्लीसियंट लॉगिन। आपको यहाँ एप्लीसियंट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ बोला क्या है, एप्लीसियंट आईडी और पासवर्ड। आपको यहाँ पे सबसे पहले एप्लीसियंट का जो भी आईडी है उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। एप्लीसियंट आईडी एंटर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्लीसियंट आईडी और पासवर्ड को एंटर कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए कैप्चा को एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है लॉगिन। तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए लॉगिन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर से एक न्यू पेज ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला गया है स्वामी विवेकानंद मैरिट कमिंस स्कॉलरशिप। यहाँ देखिए बोला गया है एप्लीसियन रजिस्ट्रेशन डन। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसे आप लोगों को डन करना होगा। तो यहाँ देखिए बोला गया है एडिट प्रोफाइल, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ देखिए एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देने के बाद फिर से एक न्यू ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है जो अभी हम लोगों ने फिलअप किया। यहाँ देखिए बोला गया है अपलोड फोटोग्राफ। यहाँ देखिए बोला गया है फोटोग्राफ ऑफ एप्लीसियंट, जो एप्लीसियंट है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए इमेज साइज बताया गया है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ देखिए बोला गया है चूज फाइल, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी फोटो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने फोटो को अपलोड कर दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है अपलोड सिग्नेचर, एप्लीसियन का जो भी सिग्नेचर है उसका फोटो खींच के स्कैन करके जैसे भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक कर देने के बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। सिग्नेचर को अपलोड कर देने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से एक न्यू पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ देखिए बोला गया है बेसिक डिटेल ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ बोला गया है पर्सनल डिटेल। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में देखिए क्या बोला है, नेम ऑफ द फादर, आपके पिताजी का जो भी नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद देखिए बोला गया है मिडिल नेम, यदि आपके फादर का मिडिल नेम है तो एंटर करिए, यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में सरनेम को एंटर करना होता है तो एंटर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है नेम ऑफ द मदर, आपके मदर यानी कि एप्लीसियन के जो भी मदर है उनका क्या नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैंने एंटर कर लिया है और लास्ट नेम में एंटर कर लेता हूँ क्योंकि मिडिल नेम नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है प्रोफेशन ऑफ फादर, यानी कि एप्लीसियन के पिता जो भी वर्क करते हैं उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैंने एंटर कर लिया है वर्कर। अब देखिए यहाँ बोला गया है नेम ऑफ गार्जियन, एप्लीसियन के जो भी गार्जियन है उनका नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद देखिए बोला गया है लास्ट नेम, एप्लीसियन के गार्जियन का जो भी लास्ट नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब देखिए यहाँ बोला गया है प्रोफेशन ऑफ गार्जियन, एप्लीसियन के गार्जियन का जो भी प्रोफेशन है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है रिलेशन विथ गार्जियन, यानी कि एप्लीसियन का गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है डेट ऑफ बर्थ, एप्लीसियन का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है जेंडर सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जेंडर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ बोला गया है रिलीजन, रिलीजन भी देखिए पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए बोला गया है कास्ट, यानी कि आप
लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है एनी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है वेदर द एप्लीसिएंट इज डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल, यानी कि जो एप्लीसिएंट है वो वेस्ट बंगाल में ही रहता है। अगर हाँ तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे यस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है वेदर डिफरेंटली एबल, यदि कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है तो यस कीजिए, हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है आधार नंबर, एप्लीसिएंट का जो भी आधार नंबर है 12 डिजिट का उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर को एंटर कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है प्रेजेंट फैमिली एड्रेस, यानी कि फैमिली का जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए बोला गया है हाउस नंबर, हाउस का जो भी नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद देखिए बोला गया है टाउन विलेज, टाउन या विलेज का जो भी नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे टाउन का नेम एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है स्ट्रीट, आपके स्ट्रीट का जो भी नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट नेम एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एरिया का पिन कोड एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला क्या है डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या नेम है, आप जहाँ रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी नेम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ बोला क्या है स्टेट, स्टेट यानी कि राज्य, राज्यों के यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है वेदर द एप्लीसिएंट इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टिपेंड फॉर द प्रेजेंट कोर्स, यानी कि यहाँ बोला गया है जो एप्लीसिएंट है क्या उसको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हाँ तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पे नो कीजिए। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। ये भी सेम ही है, यहाँ देखिए बोला गया है नॉमिनेटेड, यानी स्कॉलरशिप लेने के लिए अगर नॉमिनेट हुआ है तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है टोटल इनकम ऑफ फैमिली इन रुपीज फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 मार्च 2021, यानी कि यहाँ बोला गया है एप्लीसिएंट का जो भी एनुअल फैमिली इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम एंटर कर दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है बैंक डिटेल मेजर अकाउंट इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कंसर्न, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट का डिटेल फिलअप करना है। दोस्तों बैंक अकाउंट का डिटेल सही सही फिलअप करिएगा, क्योंकि जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ बैंक अकाउंट का डिटेल, उसके बाद आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने बैंक अकाउंट डिटेल सही से फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आप लोग शुरू से लास्ट तक फिर से अपने फॉर्म को देख लीजिए, अगर कहीं भी गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यदि आपने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले एक बार अच्छी तरह अपने फॉर्म को देख ले। तो मैंने अपने फॉर्म को शुरू से लास्ट तक चेक कर लिया है। चेक कर लेने के बाद यहाँ देखिए बोला क्या है सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए फिर से एक न्यू पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ देखिए बोला क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ इशूइंग इनकम सर्टिफिकेट आर, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इन सभी ऑफिसर के तरफ से इशू होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बोला गया है GRA गेजेटेड ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन केस ऑफ म्यूनसिपालिटी BDO JTBDO पंचायत एरिया म्यूनसिपल कमिश्नर DY म्यूनसिपल कमिश्नर इन केस ऑफ कॉरपोरेशन सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2018 टू 31/3/2029 फॉर सैलरीड गार्जियन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इन सभी ऑफिसर के द्वारा इशू होना चाहिए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है पर्सनल डिटेल ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ बोला गया है अपलोड स्कैन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला मार्कशीट ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पे आपको क्लास 10 का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्लास 10 का जो माध्यमिक का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया मार्कशीट ऑफ लास्ट बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया था उसका जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ चूज फाइल करके उसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है एडमिशन रिसीव,
यानी कि आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद आपको एडमिशन रिसिप्ट दिया होगा, तो उसी एडमिशन रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे उसी रिसिप्ट को अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन रिसिप्ट को भी अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक फर्स्ट पेज कंटिन्यूइंग अकाउंट नंबर आईएफएससी एंड बेनिफिशियरी नेम। यहाँ पे अब आपको पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे पासबुक का जो इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पासबुक का जो इमेज है उसको अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है डोमिसिलरी सर्टिफिकेट एज आधार आईडी वोटर आईडी राशन कार्ड सर्टिफिकेट इशू बाय कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का जो इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है इनकम सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू किया गया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली, तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए सारा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर दिया है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए। तो मैंने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है टिक करने के लिए, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेने के बाद यहाँ पे टिक करना है। टिक कर देने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए बोला गया है व्यू एप्लीकेशन ड्राफ्ट कॉपी, यानी कि यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो गया है। यहाँ से अब आप लोग अपना फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है वो सारा आ चुका है। यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ देखिए बोला गया है सबमिट एप्लीकेशन, आपको यहाँ सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ बोला गया है कन्फर्म सबमिशन, यहाँ देखिए बोला गया है आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन There is no option for modification of application detail. Do you want to confirm to submit? तो यहाँ पे आपको yes करना है। Yes कर देने के बाद थोड़ी देर wait करते हैं। दोस्तों यस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए बोला गया है डाउनलोड एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली डाउनलोड होकर आ चुका है। तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से अपडेट हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली अपडेट होके आ चुका है, यानी सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। सबमिट कर देने के बाद आपको यहाँ डैशबोर्ड में आकर यहाँ पे स्टेटस देखिए यहाँ बोला गया है ट्रैक एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन ट्रैक करते रहना है। यहाँ पे देखिए अपडेटेड आ गया है, एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन डन ये भी हो चुका है। यहाँ से आप लोग को अपना एप्लीकेशन ट्रैक करते रहना है। जब आप लोग का एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको मैसेज भी दे दिया जाएगा, आप लोग इसे चेक करते रहिए। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप डन हो चुका है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो भी डन हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिशन वो भी डन हो चुका है। ये सारा ऑप्शन देखिए दोस्तों डन हो चुका है। आप लोग भी इसी स्टेप को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए। यहाँ देखिए बोला गया है एप्लीकेशन सबमिटेड, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ देखिए बोला गया है व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना प्रोफाइल यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल लॉग आउट कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग भी इसी स्टेप को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यदि आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड
रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।